मार लगा सर्कल, पाँव पीछे रख के ना बाइक से घुमाएगा। ये देखो यहाँ पर ना अभी एक एक्सीडेंट हुआ है, अभी मोहम्मद अली मारेगा, राउंड मारेगा। चल वी आई पी जो राउंड मारना, पैर थले नहीं रखना, ध्यान ना गड्डी भी खिलोती है, बच के तू। ये देखें, चल चल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज है जी जुम्मे का दिन, आप सबको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से जुम्मा मुबारक। और ये ना ये जो भूंड नजर आ रहा है आप लोगों को, ये मेरे पीछे लग गया स्कूल से ना, मुझे वीडियो नहीं बना दे रहा, ये नजर आ गया होगा आप लोगों को, ये रहा ठीक है ना। और बाकी भी जुम्मे का दिन है, जुम्मे का टाइम हो गया, मैं नहा के रेडी हो गया हूँ, अभी पढ़ चलते हैं जी जुम्मा। हेलो भाई, जुम्मे है, उठ के ना हो, चलो जहमत करो टकला साहब। हेलो क्या ले, ओ भाई जान जुम्मे का दिन है ना, उठ के टकला साहब, आपको पता है फारुक साहब है ठीक है ना, खराब कर रहा मुसलमान नहीं है तू, चल ना गाने तू एवं सुन रहा ना, जमे नाता सुन रहा मैं। डेढ़ बजे यार ले, मैं पौने दो वाली सवा दो वाली जाऊंगा जुमा पढ़ाऊंगा। मैं जुमा पढ़ के आता हूँ, देखते हैं जाता है कि नहीं जाता। इन्होंने तो पढ़ने जाना नहीं है जुमा, बाकी देखता हूँ मैं, चलता हूँ जुमा पढ़ने के लिए। पहले पहले चलते हैं, घर के सामने मस्जिद में हो गया, अभी हम चलते हैं अनवारे मोहम्मद, वहाँ जुमा पढ़ के आते हैं। सामने से मुझे अब्दुलरहमान ने भी इशारा कर दिया, अब्दुलरहमान कहता है इधर आ जा, इधर से इकट्ठे चलते हैं अनवारे मोहम्मद जुमा पढ़ने के लिए। वो अब्दुलरहमान नहीं, या एक और अब्दुलरहमान है, ऐसे भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब हमें और वो अब्दुलरहमान जा रहे हैं जुमा पढ़ने के लिए, 1:45 पे जुमा आना है और 1:30 बज गए हैं, जल्दी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। भैया जुमा था ना, हाल लेना था, और बल्कि आज कौन सा ईद है, ईद की नहाते हो, चलो लगाओ डुबकी, चलो चलो जुमा पढ़ने। तो यहाँ चलते हैं ना, बल्कि यहाँ पानी लगा, रात को बड़ी बारिश हुई है। कैसे चाचू जी, हुई है ना बारिश, बहुत बारिश हुई है, हम सोए पड़े थे, हमें पता ही नहीं था। अब्दुलरहमान जूती किसकी है, हैं? और मुझे दी यार, मेरे भाई की शादी में पहननी है, मैंने खुद सोम भाई की शादी में पहननी है, वही ना देखे जूती, रुक के दिखा ना, सब्र कर रुक, चेक करें जूती नहीं ब्रांड है, ब्रांड चेक करें, चेक करें, आए आए नीचे से, आए आए बस तुम देनी है, मैंने शादी में पहननी है। और ये जो कैप है ना, ये कैप भी तुम्हें देनी है, मैंने ये भी शादी में पहननी है, सुन लिया कि नहीं, शर्ट भी ना, नहीं शर्ट ठीक है, पैंट भी देनी है, हाँ पैंट भी दी। मस्जिद हम लोग पहुंच गए हैं, अब चलते हैं जुमा पढ़ने के लिए, पहले यहाँ से कुछ चने वगैरह खाएं फिर चलते हैं अंदर, क्योंकि अभी जुमे में देर है, अभी 15 मिनट हैं। सारी जिंदगी नस्ली गरीब रहे हो, नस्ली गरीब, पैसे देके नहीं ले रहे, कहता जी फ्री थोड़ी चेक करा, मैंने चेक कराई ऐसा। ना ना अरे ना ना दमी यार, आ देख ला तेरी वीडियो सिटेगा, चेक करा यार, दिमाग खराब ना कर बोते यार, भाई थोड़े चने देना यार, माड़े जी यार दे यार, थोड़ी ज्यादा दे, इन्हें की कर रहे हैं यार, थोड़े बहुते दे देना। जुम्मा जी हम लोगों ने पढ़ लिया, और अब जुम्मा पढ़ के हम लोग जा रहे हैं घर वापस, सामने जी हमारा घर आ गया, शाम का टाइम हो गया, असर की अजान हो गई है, अभी असर की मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी चलते हैं। मौसम ना अभी भी काफी ज्यादा अच्छा हुआ है, हवा चल रही है, आप लोगों को पता लग ही रहा होगा, माइक में आवाज आ जाती है, मोबाइल के माइक में भी आवाज आ जाती है जब हवा चल रही हो, बाकी मौसम का अच्छा हुआ है, लाइट लाइट सी धूप निकली हुई है, और हवा मतलब ठंडी है, गर्म नहीं चल रही हवा। मस्जिद पहुंच गए, मेरा वजू है, चल के नमाज पढ़े। दिस इज द नेक्स्ट डे, अगला दिन हो गया, और आज इतना प्यारा मौसम बना हुआ है, मैंने आप लोगों को क्या बताऊं, बारिश वाला मौसम बना हुआ है, देख लेते हैं और कितनी प्यारी लग रही है हमारी कैरी है, देखें हरे भरे हो गए हैं, और यहाँ पर ना जो दो अमरूद लगे थे ना, यहाँ पर लगे थे दो अमरूद, वो टूट गए, गिर भी गए, और हमने खा भी लिए, पक्के हुए थे वो अमरूद ठीक है ना, और बाकी दो अमरूद वो भी सामने लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, इतने इतने थे जो टूट के गिरे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हुए थे, इतने इतने ही थे, बाकी दो वो लगे हुए हैं, एक ऊपर लगा हुआ मेरे ख्याल में, बाकी भी चलते हैं दुकान पे, मैं जा रहा हूँ जी मंडी, दुकान पे जी मैं आ गया, दुकान पे आके मैंने जी अपनी दुकान वगैरह सारी खोल ली है, देखें सामने दुकान बंद है, और बारिशें हुई थी ना जिसकी वजह से ना देखें दुकानों के आगे भी पानी जमा हुआ है, ये देखें पानी पानी तो निकल गया, मतलब एक ना किचड़ किचड़ चिकट टाइप ना बनी हुई है, देखें हल्का हल्का पानी यहाँ पर भी, और चिकट बनी हुई है, और धूप अब आज कड़ाके गया, सुबह सुबह मौसम अच्छा था, अभी तकरीबन 10 बज रहे हैं, और धूप कड़ाके की निकल आई है ना, सूरज कहाँ पर है, सूरज यहाँ पर चला गया, तो धूप कड़ाके की है ना, तो ये जो चीज़ लगे है इस तरह गिला हुआ है ना, ये अच्छे तरीके से सूख जाएगा, और मेरे ख्याल में अंकल ने सामने जो जो अंकल है ना, उन्होंने दुकान भी इसीलिए नहीं खोली क्योंकि आगे चिक्कड़ था उनकी दुकान के। मैं ना डेली सुबह सुबह टाइम आके ना अपनी दुकान खोलता हूँ, भैया घर सो जाता है, सोया रहता है ठीक है ना, भैया रात को अक्सर लेट सो जाता है, कभी कुछ करता है, तो इसलिए ना सुबह सुबह मैं आके दुकान
दुकान खोल लेता हूँ, फिर मैं दुकान पे बैठ जाता हूँ, ठीक है ना। फिर भैया आता है, तकरीबन 10:30 बजे आ जाता है भैया, फिर भैया आके दुकान पे बैठ जाता हूँ, मैं घर चला जाता हूँ। बाकी ना 10 बज गए, भैया आने वाला, मैंने भैया को फ़ोन कर दिया, आज कुछ करने को है नहीं, तो इस तरह करते हैं, मेरा कज़न जो मोहम्मद अली नहीं है उसको फ़ोन करते हैं, उसको फ़ोन कर बुलवाते हैं अपने घर के पास, और वहाँ बुला के से व्हीलिंग करवाते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, पहले जिन्हें लोग देखे होंगे उन्हें पता होगा कि वो मेरा कज़न है, व्हीलिंग करता है, ठीक है ना। तो आज भी से बुलाते हैं, आज भी से थोड़ी 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 व्हीलिंग करवाते हैं, वो मैं उसे फ़ोन कर लूँ, बाकी डायरेक्ट आप लोग घर जाके मिलेंगे जब वो आएगा। इस फिल्म का ना मैं डेढ़ घंटे से इंतजार करूँ, पर वेग इस फिल्म का मैं 1.5 घंटे से इंतजार करूँ, और अब जाके आया, धूप भी निकल आई है, ठीक है ना, पहले छाँव थी, और अब ये व्हीलिंग करके दिखाएगा, काफ़ी टाइम बाद की व्हीलिंग देखेंगे। ये कल मनहूस गया खानपुर, मैंने बता के भी नहीं गया, लेगा क्यों निकाह हम दस हम निकले हैं, वहाँ घर में बैठा हुआ था, लड़के आए हैं, लड़कों ने आके कहा कि अरबाब नहीं आए। हाँ। मैंने उसे कहा कि वो कहता मैं नहीं आया, कहता चलाओ फिर हम चले। हमने दोस्त यहाँ से सीधा दड़ी पर निकले थे, दड़ी से 100 रुपया 2 सालों से पकड़ा और पेट्रोल डलवाया। अच्छा, फिर टोटल 1000 रुपये का पेट्रोल लगा आने जा। अच्छा, फिर वहाँ चले गए और हमने बताया भी नहीं। वहाँ गए हैं हम तकरीबन से तकरीबन 15-20 मिनट बैठे हैं, बोतल शोतल पिया और फिर घर आ लेके नहीं गया, इसको मैं अगली बार बताऊंगा, बाकी भी गेम नहीं करके दिखा रहा। कि मार लगा सर्कल, पाँव पीछे रख के ना बाइक से घुमाएगा, ये देखें, और टायर चाह आई नहीं है मामा, ओ वेख, और मैं खाली पंचर होया फिर दावा, ये देखें टायर बिल्कुल भी हवा नहीं है, व्हीलिंग मार रहे थे और टायर पंचर हो गया हमारा, ये देख सकते हैं आप लोग, फुल हवा निकल गया, टायर पंचर हो गया, बैठ के इधर तक तो आया हूँ और इधर से बस हवा फुल निकल गई, थोड़ी सी हवा थी, अभी हम लोग पंचर लगवाने जा रहे हैं, वो सामने दुकान है। व्हीलिंग करने के ये बड़े नुकसान, टायर पंचर हो जाता है, कभी बैक लाइट टूट जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, इसलिए ना मैं व्हीलिंग नहीं करता, और ये मेरी उम्र का ही है, ये इसने भी तकरीबन एक महीने में सीखी है व्हीलिंग, 2 महीने में, 3-4 महीने में सीख गया, मैं भी सीख सकता था पर मैंने नहीं सीखी भाई, डर लगता है मौत से, हर किसी को डर लगता है, इसको भी लगता है, पर हराम का काम नहीं छोड़ने नहीं चाहिए, सही बात है। हेलो बाइक ही हमारा बाइक को पंचर लग गया, अब इसके लिए चलते हैं दोबारा घर, दोबारा जाके व्हीलिंग मारेंगे। यहाँ पर ना अभी भी एक एक्सीडेंट हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, बस अल्लाह का शुक्र है कि ना इस बंदे का एक्सीडेंट हुआ ना, उसकी जान बच गई है, यहाँ पर फुटपाथ साथ लगे हैं, तो अभी हम लोग भी स्लो स्लो घर जा रहे हैं, इज्जत के साथ आके हमारा भी ना हो जाए, और रेस्क्यू वाले खड़े हैं ना वो हमें ही ना उठाने लग पड़े हैं, इसलिए हम लोग आराम से घर जा रहे हैं। अभी घर आ गए हैं, अभी मोहम्मद अली मारेगा, राउंड मारेगा, चल वी आई पी जो राउंड मारना, पैर थले नहीं रखना, ध्यान ना गड्डी भी खलोती है, बच गए तू, ये देखें है तेरी गैर है कमाला पूरा, और लाइट नहीं लगेगी। अभी इसको मैंने कहा कि वापस आते हुए ना व्हीलिंग उठानी है, देखते हैं उठाता है कि नहीं उठाता, उठाएगा पर देखते हैं किस तरह की उठाता है, चल चल तेरी गैर हो गया बड़ी वीए भी व्हीलिंग करता है यार, ये तो बड़ी वीए भी व्हील मारी यार, 5 रुपये बांट देने तेरे पास, खोले नहीं पे मेरे को, दिखा यार एक ट्राई मैं भी मारा, मैं थोड़ी ट्राई मार दूं, पाउंड नीचे लटका के देखते लगती है कहीं लटकी लगती, अभी नहीं मैं भी नहीं मारूंगा इसके बाइक पे, पाउंड नीचे लटका के सही लगेगी, वरना मुझे नहीं पता मैं ठुक ठुक ना जाऊं, अगर मैं ठुक गया मुझे कंटेंट मिल जाना है, मैं कह रहा हूं कंटेंट ना ही मिले, अच्छी बात, हम मनाड़ी बंदे हैं, यही प्रोफेशन है जो उठा सकते हैं, ये लो भाई अपनी अमानत वापस गिनो। यही था हमारा आज का व्लॉग, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है आप लोगों का व्लॉग किस तरह का लगा है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को अपने कजन से पूछ के बताऊंगा ये व्हीलिंग कैसे उठाता है, व्हीलिंग के लिए क्या क्या जरूरी होता है, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है, मैं अपने कजन से आप लोगों को पूछ के बताऊंगा कि व्हीलिंग कैसे उठाता है ये, तो तरीके वगैरह आप लोगों को बता देगा, इससे पूरी क्लास लेंगे ये कैसे व्हीलिंग उठाता है। इसी के साथ मुझे इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।